तो हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉफिक हेल्थ डी। आज हम यहीं से शुरू करते हैं, यहां से, ठीक है दोस्त, यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पे, इस वर्ल्ड में 85% युवाओं की यही हाल है। और है क्योंकि क्योंकि वो जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, रोना जानते हैं, बस रोना जानते हैं कि सर जी मुझे मेरा वो समय वापस लौटा दो, वो पुरानी चीज़ें वापस लौटा दो। कैसे लौटेगा, मैं क्या करूं सर जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कितना भी हार्ड ब्रह्मचर्य करना पड़े, कैसी भी मेडिसिन लेनी पड़े, लेकिन मेरी पुरानी वो हंसी लौटा दो। तो हाय दोस्त, मैं हूं दिनेश। आज मैं बहुत शानदार टॉपिक पर जिक्र करने वाला हूँ, तीन ऐसी चीज़ें जो आपको ताकत, बल, बुद्धि के साथ साथ वीरवान भी बना देगा। चलिए दोस्त, हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से। तो समझ लो दोस्त, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो जो दोस्त मैं इसमें बताने वाला हूँ, देखिए तीन टॉपिक जो है आपकी आंसू को आपके हंसी में बदल सकती है। बस और बस करना यही होगा। जितनी भी चीजें इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं, उसे ध्यान से जरूर देखना, ठीक है दोस्त। देखो, हर कोई यही जानता है कि मैं वीरवान तभी हो पाऊंगा जब महंगी से महंगी दवा, महंगी से महंगी इलाज करूंगा। लेकिन गलती हर कोई यहीं पे करते हैं। दवा और इलाज उनके लिए है दोस्त जिनके पास टाइम नहीं है। लोग कहते नहीं, गांव में इसे तो मूतने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो वो कंडीशन अगर आपके ऊपर है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप ऐसे कोई वर्क करते हो, ऐसा कोई जॉब करते हो कि 5 से 10 मिनट का समय निकालना आपके लिए बहुत, मतलब निकाल ही नहीं सकते, तो फिर आपके लिए दवा और इलाज है। और कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो लोग ये समझते हैं कि मैं बना नहीं सकता आयुर्वेदिक दवा, भी पता नहीं उल्टा सीधा हो जाए तो, कुछ गलत हो जाए तो, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाएगा, ना ना बाबा मुझे नहीं है, मुझे नहीं बनाना। तो फिर उनके लिए, अगर जिस भी व्यक्ति को यह कॉन्फिडेंस है कि मैं दवा इलाज नहीं लूंगा, तो पक्का उनके लिए माइंड ब्लोइंग जितने नुस्खे बताता हूं ना दोस्त, मेरे दवा से ज्यादा काम तो नुस्खे करेंगे। बस बनाने का इक्वल तरीका आपको पता होना चाहिए। तो मैं जो तीन चीजें आप लोगों के साथ जिक्र करने वाला हूं, तो दोस्त आओ और देखो मैं वो कौन सी तीन चीजों पे आज टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं, कौन सी चीजों पे बारे में मैं एक्सप्लेन ही करने वाला हूं। तो दोस्त पहली चीज जो बिना टॉपिक के है, बिना सीधे साधी बात, जो एक नोट बुक बना लो आप, नोट, तो आपको करना ये होगा दोस्त, टीवी, गलत विचार, गलत संगत, खट्टी मीठी चीजें, इन सब चीजों से जितना हो सके उतना दूरी बनाओ। ये तो नोट था एक, इसे आपको ध्यान रखना होगा माइंड में से ध्यान देना होगा। अब मैं बात करने वाला हूं तीन चीजों के बारे में। तो पहली चीज जो है दोस्त वो है पाइनएप्पल जूस जरूर पिए। पाइनएप्पल जूस, अनानास का जूस यार, ये माइंड ब्लोइंग, यानी कि अगर जूस में सबसे ताकतवर जूस की बात करें, कुछ लोग ये कहते हैं मुझे दिनेश भाई कुछ ऐसी चीज बता दो जो आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन हो। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन और सबसे परफेक्ट चीज अगर जूस में बात करें तो पाइन एप्पल का जूस है, जो कि अष्टांग हृदय के बुक में बागपत ऋषि के द्वारा लिखी गई थी, उसमें जिक्र किया गया है कि सबसे ताकतवर जूस के कैटेगरी में जो कोई आता है तो है पाइन एप्पल जूस, यानी कि अनानास का जूस। ये बहुत ही गजब की होती है। अब कुछ लोग ये कहोगे कि दिनेश भाई यार जब भी बताते हो तो ऐसी चीज बताते हो, इतनी महंगी बता देते हो यार, गरीब व्यक्ति हूं बताओ, मजदूर आदमी हूं मैं, कैसे पाइन एप्पल जूस रोज पी पाऊंगा। अच्छा, अब यहां पे तो गरीबी झलकने लगी और इतनी सार कीमती, बेशुमार कीमती चीज शरीर से बाहर निकाल दिए, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई मोल नहीं है, बस बाहर निकाल दिए तो निकाल दिए। अरे दोस्त, जर जमीन जोरू से ज्यादा कीमती तो अंदर की वो है जो आपने इन्वेस्ट कर दिया जवानी में, ठीक है, तो उसे तो दोस्त कवर करना है अगर तो करना होगा। अब मैं नहीं जानता कैसे एडजस्ट करोगे, लेकिन करना होगा। जो दूसरी चीज है दोस्त, दूसरी चीज है दूध में घी डालकर पिए। दूध पीने के शौकीन आज के तकरीबन युवा 75% 75% युवा दूध पीने के शौकीन है। 25% ऐसे हैं जो ये कहते हैं
कब्ज बना लेता है, गैस बनाता है, तो उनके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं दूध हजम करवाने के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आप दूध को कैसे हजम कर सकते हो। तो दोस्त, आपको दूध में आधा एक चम्मच देसी घी डाल करके पीना होगा। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में इसका जिक्र भी किया है, वो तो मैं याद दिलाता रहता हूँ आप लोगों को ताकि भूले ना, नहीं तो इस वीडियो में कुछ और, उस वीडियो में कुछ और, तो ये बहुत माइंड ब्लोइंग होगा, इससे आपको करना ही है। जो दोस्त तीसरी चीजें हैं वो है दोस्त संतुलित आहार ले। संतुलित आहार, संतुलित आहार जानते हैं, जो आपके बॉडी को, शरीर के बॉडी को अंदर से और बाहर से संतुलन बनाए रखे। संतुलन यानी कि अगर आप मीट, मछली, मांस, अंडा खाते हो तो यह संतुलित आहार नहीं है, ये तो गर्म चीजें हैं। अगर आप खाओगे गर्म चीजें तो ये संतुलित आहार की कैटेगरी में नहीं आएगी। संतुलित आहार में हरी सब्जियां खाओ, दूध खाओ, दाल चावल रोटी खाओ, जितना हो सके दोस्त घी का, मतलब जितना नॉर्मली चीज, यार गर्म चीजें मत खाओ, बहुत गर्म, हार्ड, जैसे फास्ट फूड हुआ, पिज्जा, बर्गर, चाट, ये सब चीज़ें यार संतुलित आहार के अंतर्गत नहीं आती, ये तो आपको बहुत बेकार कर देंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब इन सब चीज़ों पे ध्यान रहे तो संतुलित आहार ले। संतुलित आहार में बहुत सही चीज़ें, हरी सब्जियां खाओ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आती हैं। तो संतुलित आहार लेके अपने पेट को भी फिट रखो, अपने वेट को भी फिट रखो। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तीन चीज़ें, तो आपको ताकत और वीरवान, यानी कि ताकतवर और वीरवान होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता दोस्त। आप भी एक अच्छे खासते हंसते हुए दौड़ते हुए एक ऐसे इंसान दिखोगे जिसकी सोच और कल्पना आपके इस माइंड में चलती है। तो याद रखना मेरी इन तीन चीज़ों पे आप जरूर जिक्र करना दोस्त। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी जानकारी, हेल्थ संबंधित टिप्स, अच्छी अच्छी वीडियो हर दिन मिले, तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में लाइक घंटी होगी, इसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग यार पीड़ित हैं इस बीमारी से। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।